सो फ्रेंड्स, आज न्यू अपडेट के साथ आ चुके हैं फिर से। वीटा 3 का V9 जो वर्जन है रोल आउट हो चुका है, इसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। मैं मेन इंपॉर्टेंट जो बात होगी वही बताऊंगा, जिसमें आपको टर्निप ड्राइवर यूज़ करने की ज़रूरत थी। ज़्यादा मेंशन तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे किया है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, वहाँ से आपको पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे आज बात करेंगे जो मेन पॉइंट है वहाँ पे, जो हम गिटहब से GPU टर्निप ड्राइवर लेते थे। कई सारे ड्राइवर ऐसे भी थे जो वर्केबल नहीं थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल ही में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ जो वर्जन 9 आया है उसमें कम्प्लीटेबल हो चुके हैं। जैसे कि हमारा क्रैश आउट हो जाता था कोई भी टास्क, तो अभी उसमें इम्प्रूवली फिक्स हो चुका है। जॉयस्टिक जो कंट्रोलर है उसमें भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप आगे आगे प्ले करोगे तो पता चलेगा कैसे टास्क में स्मूथनेस दिखाई देगी। जो अभी आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, जो मैं टास्क चला रहा हूँ उसमें भी काफ़ी अमेजिंग स्पीड है। मैंने सिस्टम ड्राइवर यूज़ किया है, सबसे मेन बात वहाँ पे आती है। आप ऐसा नहीं समझो ज़रूरी है कि ड्राइवर यूज़ करना वोल्कन ड्राइवर। कई सारी यानी जो टास्क ऐसे होते हैं जो अनप्लेबल होते हैं उनमें हमको चाहिए रहता है, ठीक है, ये मेन बात थी। चलते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट। फाइनली एक मंथ बाद समझो ये अपडेट आया है CEMU का वर्जन 60.61। मैंने जो कल कम्युनिटी पोस्ट की थी वहाँ पे मैंने ओल्ड वाले बिल्ड में यूज़ किया था। इतना ही यूज़ करते करते मैंने जैसे ही गिटहब पे चेक किया तो वहाँ पे रोल आउट हो चुका था। मैं अभी नए अपडेट के साथ वो दोनों टास्क को दिखाऊंगा जो मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए हैं। एक बार उसको चेकआउट करो कौन से टास्क हैं जो मो बॉक्स में यूज़ होते हैं, मो बॉक्स में कैसे यूज़ होते हैं, मैंने उसके बारे में कल की डेट में अपडेट दिया है। उसका लिंक मैं मेंशन करूंगा। मो बॉक्स काफ़ी अमेजिंग अपडेट है, उसमें आपका ओपन जीएल वर्क नहीं होने वाला है। CEMU में आपका वोल्कन रेंडरर ही चलेगा और CEMU में ओपन जीएल नहीं वर्क कर रहा है, मेन बात वहाँ पे आती है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं फ्रीज़ हो जाता है, क्रैश हो जाता है CEMU, तो उसके अंदर मो बॉक्स यूज़ करो। अभी आज की डेट में काफ़ी अच्छा है मो बॉक्स में, ऐसा नहीं बोलूँगा गलत है, जो बेस्ट है वो बेस्ट ही रहेगा। मैं एक आपको सिंपली हिंट दे देता हूँ, आप जैसे ही मो बॉक्स को स्टार्ट करोगे सेकंड नंबर सेटिंग में जाओगे, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन होगा उसमें आपको चार सेटिंग दी होगी, उसमें फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में सी एम्युलेटर काफ़ी अमेजिंग चलने वाला है। मैंने आपको बता दिया है, ये मेन पॉइंट है, आप याद रखना। तो अभी मैं नेक्स्ट अपडेट लेके आऊँगा CEMU 60.61 का, जो कि काफ़ी अपडेट अमेजिंग होने वाला होगा। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, देख लो ये वाले स्क्रीनशॉट है, मैं वीडियो की हैंड में लगा देता हूँ, ठीक है। तो मिलूँगा नेक्स्ट अपडेट में, बाय फ्रेंड्स।